हेलो एवरीवन, सो अभी जो है क्लास में कंप्लीट कर लिए कॉलेज का और ये कुछ दोस्त लोग हैं और अभी जो है पीछे कैंपस था तो वहाँ से जो है रिटर्न अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल के साइड जो कि इधर है बॉयज़ हॉस्टल। तो आज जो हम आप लोगों को बॉयज़ हॉस्टल का टूर कराने वाले हैं क्योंकि इससे पहले कई सारा वीडियो बनाए हैं जिसमें कॉलेज का मतलब कैंपस टूर, बिल्डिंग वगैरह ये सब दिखा चुके थे। तो इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं हॉस्टल के बारे में दिखा रहा हूँ, मेस कैसा है, रूम कैसा है, बेड वगैरह सब चीज़ एवरीथिंग, बस हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा हॉस्टल रहता है ये दिखाएंगे। ये मेरे पीछे हॉस्टल है, गेट है और मेस जो है जस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चलता है और उसके बाद फिर फ्लोर वाइज फ्लोर सब लोगों को बांटा गया है। तो ये देखो एंट्री के साथ इस टाइप से कुछ है, यहाँ पे लिफ्ट दिया गया है, दो लिफ्ट है, आगे सामने से जो है मेस का गेट है। तो इस टाइप से कुछ व्यू है यहाँ का। तो अभी जो है जाएंगे सबसे पहले ऊपर, हॉस्टल का लिफ्ट जो है फिलहाल बंद है और ये इस टाइप से, और माहौल देख सकते हैं कितना रंगीन है, गाना बज रहा है। तो इस टाइप से फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, इस मतलब सब रूम है पैक। तो अभी चलते हैं इस रूम में और इधर स्टेयर है, इधर ये सब चीज़ है और ये आउटसाइड है। तो ये जो है हॉस्टल का आउटसाइड है, देख लो, और ये स्टेयर है, आप दो तीन स्टेयर है तो किधर से भी आ सकते हैं। और उसके बाद जो है बस इस टाइप से कुछ है सिस्टम यहाँ का। तो ये जो है कुछ रूम है इस टाइप से और एक रूम में यहाँ पे तीन लोग रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों बेड अलग अलग है, तीन टेबल चेयर इधर, फिर तीन रैक है जिसमें अपना सब सामान रखते हैं। तो इस टाइप से हॉस्टल का रूम है और सब रूम एक ही साइज का है और यहाँ हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है बाहर से। कैसा लगा देख के? तो यही सब है हॉस्टल में बेसिकली, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं जो दिखाने लायक। एक फैन, दो फैन है इसमें और बाकी यही सब है। और इधर देखो ये इस टाइप से हॉल है, फ्लोर बहुत लंबा है और गर्ल्स हॉस्टल भी सेम मतलब एक ही डिज़ाइन किया गया है, सब कुछ सेम ही है। और इस टाइप से बस यही तो जो बाहर था वो दिखा दिए, इधर मेन रोड है और उधर से निकल के उधर कैंपस में जाया जाता है। और जस्ट इसके नीचे जो है मेस चलता है जहाँ पे मतलब खाना, वहाँ भी ले चलेंगे आप लोगों को, दिखाएंगे मेस का कैसा क्या है सीन। तो इस टाइप से दिखा दिया आप लोगों को कि कैसा क्या सीन है। पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही है। हॉस्टल के छत पर जा रहे हैं, इससे पहले कभी छत पे नहीं गए हॉस्टल के छत पे, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तो हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था और खुला हुआ भी नहीं था। तो आप लोग को हॉस्टल के छत पे ले चलते हैं। सबसे अच्छा बात ये लगा कि हर फ्लोर पे पानी के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है जो कि बहुत अच्छा बात है। और ये सब फ्लोर पूरा खाली है, अभी सिर्फ दो ही सिर्फ फ्लोर पर सब लोग सिर्फ है, हालत ख़राब हो गया, लिफ्ट चालू नहीं है। अच्छा लिफ्ट चालू नहीं है कि बंद है लिफ्ट? अभी व्यू है छत का, थक गए पूरा पांच फ्लोर चढ़ते, बिकॉज लिफ्ट जो है अभी काम नहीं कर रहा था। और इधर जो है मेरे पीछे कैंपस है कॉलेज का, देख लो। तो ये पीछे जो है टीचर्स के लिए मतलब बना हुआ, उसके पीछे गर्ल्स हॉस्टल है और उसके पीछे कॉलेज कैंपस है। और इस टाइप से सब लोग आए हैं घूमने के लिए और काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखाते। कॉलेज हॉस्टल से जो सबसे मतलब एकदम यूनिक व्यू दिख रहा है, ये एकदम ऐसा है कि मतलब इमेजिंग सिर्फ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इस जगह को। इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि सबका बाल उड़ रहा है पूरा, और एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है जिसकी वजह से पूरा गांव एकदम दूर दूर तक दिख रहा है, एकदम चारों साइड, तीनों साइड, दोनों साइड। और ये अभी जो है प्लेग्राउंड सब बन रहा है जिसकी वजह से अभी ये इस टाइप से है कुछ कुछ, और उधर प्रिंसिपल सर का है, इधर से गेट है। तो इस टाइप से कुछ सीन है। तो यहाँ जो है चारों साइड से बिल्डिंग है और बीच में छोटा सा स्पेस है जिसमें वॉलीबॉल खेला जाता है, ये नेट लगा हुआ है और यही कुछ कैंपस ये। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू और बारिश भी आ गया है और मस्त एकदम हवादार। तो
तो ये सबसे अच्छा मुझे ये लगा जगह। और अभी चलते हैं नीचे क्योंकि बारिश आ रहा है। ये देखो तो ये है मेस, और इस टाइप से कुछ सीन है मेस का। इधर खाना मिलता है फिर इस साइड से। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे भी हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुए, जिस वजह से खाना का है नहीं सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि पहले से बोला जाता है तो अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा। और इस टाइप से टेबल कुर्सी है, सब बैठ के अपना खाता है। बाहर निकल चुके हैं और मेस का खाना क्वालिटी ठीक ठाक ही था, लेकिन खाना नहीं था क्योंकि वहाँ पे पहले से मतलब बच्चे लोग हैं जो यहाँ पे शिफ्ट हैं, तो उनके लिए खाना का इंतजाम था। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। और इस टाइप से कुछ था, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग वैशाली था, जो कि मतलब अभी बता रहे हैं, पहले से बताए नहीं। वैसे पहले दो तीन वीडियो हम अपने कॉलेज के ऊपर डाल चुके हैं। तो आपको लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।